भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम जहाँ 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, अब ये फिल्म डिले हो गई है, यानी कि प्रीपोन हो गई है। और अब ये फिल्म 15 अगस्त के बजाय 10 अगस्त को रिलीज होगी। जी हाँ, 10 अगस्त को ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। लेकिन क्या आपने सोचा कि इसके पीछे वजह क्या है कि 15 अगस्त के मौके को छोड़कर पवन सिंह ने 10 अगस्त को अपनी फिल्म रिलीज करने का सोचा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे वजह कोई और नहीं, बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड 15 अगस्त को रिलीज हो रही है और अक्षय पूरी तरह से चाहते हैं कि उनकी फिल्म गोल्ड को बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फायदा मिले। अक्षय कुमार जानते हैं कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी यूपी बिहार में क्या है। अगर पवन की फिल्म और फिल्म गोल्ड उसी दिन रिलीज होती है तो उसे यूपी बिहार में अच्छा खासा नुकसान होगा। आपने तो सलमान खान की फिल्म रेस और निरहुआ की फिल्म बॉर्डर जो एक ही दिन रिलीज हुई थी उसका आलम देख लिया था कि यूपी बिहार में रेस फिसड्डी साबित हुई थी और बॉर्डर ने बाजी मार ली थी। अब वही गलती सुपरस्टार अक्षय कुमार नहीं दोहराना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती का वास्ता देकर पवन सिंह से उनकी फिल्म माँ तुझे सलाम 15 अगस्त की बजाय 10 अगस्त को रिलीज करवाने को कहा। वैसे हम आपको यहाँ बता देना जरूरी समझते हैं कि जब अक्षय कुमार लखनऊ गए थे अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का प्रमोशन के लिए, तब वहाँ अक्षय ने पवन सिंह का गाना लॉलीपॉप लागे लू गाया था और जिसके लिए खुद पवन सिंह ने उन्हें थैंक्स का मैसेज भी भेजा था। इससे तो साफ जाहिर होता है कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भी जानते हैं कि पवन सिंह की पॉपुलैरिटी यूपी बिहार में क्या है, इसलिए वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनकी फिल्म गोल्ड को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी नुकसान हो फिल्म माँ तुझे सलाम से। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।